फाइनली इतने लंबे गैप के बाद मैं आ चुका हूँ एक एक्शन पैक्ड मूवी का रिव्यू लेके, जहाँ मेरी लास्ट वाली वीडियो पे तुम्हारा इतना प्यार देख के मेरे तो आंसू ही नहीं रुके। खैर जाने दो। तो भाई मैड मैक्स भला किसने नहीं देखी होगी, जहाँ उसी के अंदर दिखने वाली एक कैरेक्टर के ऊपर बनी ये सोलो मूवी आज मैंने थिएटर में देखी है। जहाँ बात करते हैं कि कैसी है ये मूवी। बट सबसे पहले हेलो व्यूअर, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फ्यूरियोसा द मैड मैक्स सागा मूवी के बारे में। तो भाई लोगों जिसको नहीं पता, मैड मैक्स की इससे पहले 4 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी है, बट फ्यूरियोसा मूवी अपनी खुद की एक स्टैंड अलोन स्टोरी लेके हमारे सामने आती है, जिससे अगर आपने इसकी पिछली कोई भी मूवी नहीं देखी हो फिर भी आप इसे आराम से देख सकते वो बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। अब जाने मूवी की स्टोरी के बारे में, तो एक फ्यूरियोसा नाम की लड़की है जिसे बचपन में किडनैप कर लिया गया था बाय द मूवी का मेन विलन, जिसे प्ले कर रहे हैं हमारे थॉर भैया एक क्रिस हेम्सवर्थ। जहां फ्यूरियोसा का बचपन रियूंड करने का, इवन उसे एक खूंखार किलर बनाने का बदला फ्यूरियोसा लेना चाहती है, जिसके चलते उसकी जर्नी में होता है बहुत सारा एक्शन, ब्रूटैलिटी एंड एक ऐसा मैसेकर जो कि आपको मैड मैक्स की पिछली मूवीज की याद दिला देगा। एंड हां, इन सब के बाद ही मैड मैक्स फ्यूरी रोड की कहानी स्टार्ट होती है, जो कि इसे एक स्पिन ऑफ मूवी बना देता है। सो अगर आप फ्यूरियोसा देखने के बाद मैड मैक्स फ्यूरी रोड देखोगे तो आपको इसके यूनिवर्स में ज्यादा मजा आएगा। जहां यूनिवर्स से याद आया, इसकी स्टोरी सेट है एक अपोकलिप्टिक वाली दुनिया में, जहां पानी की कमी के चलते लोग अपनी स्टेबल मेंटेलिटी खो चुके हैं एंड पानी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मूवी में पानी की कमी के चलते हर सीन हर फ्रेम में आपको रेत और येलो सीनरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको एक डिफरेंट वाइब देने वाली है बाकी मूवीज के बदले। और ये एक मेन रीजन है जिस वजह से मूवी अपना सर्वाइवल वाला पार्ट काफी अच्छे से आपको फील करवा पाती है बिना किसी फालतू के ओवरहाइड वाले मूवमेंट को दिखाए। बाकी इस मूवी के एक्स फैक्टर के बारे में बात करें, जो कि है इसका एक्शन, भाई वहां आपको ये मूवी डेफिनेटली एक रोलर कोस्टर राइड देने वाली है, जो कि सिर्फ ऊपर जाता है। जहां एक सीन में आपको बहुत ही क्रेजी एक्शन देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरे ही सीन में आपको उससे डबल क्रेजी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपका इंटरेस्ट मूवी में एकदम खींच के रखते हैं। बट अगर आपने मैड मैक्स की पिछली मूवीज देखी है फिर तो शायद ये मूवी आपको एक्शन के मामले में थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है, बिकॉज आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो फिर भी आपको इसका एक्शन जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि मैड मैक्स मूवीज की खास बात यही है कि वो अपने एक्शन सीन्स में पूरा इंटेंस होके घुस जाते हैं, देन उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। और ये चीज छिपाने वाली नहीं है कि मैड मैक्स की पिछली मूवीज की ही तरह इसमें भी आपको रियल एक्शन देखने को मिलने वाला है। कहने का मतलब कि आपको ओरिजिनली शूट की हुई चीजें देखने को मिलती है, कम से कम VFX एंड CGI का यूज करके। बाकी एंड में बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई क्रिस हेम्सवर्थ ने स्पाइडर हेड मूवी के बाद अगेन कोई विलन साइड वाला कैरेक्टर प्ले किया है, एंड नो डाउट उन्होंने कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जो कि उनके पोटेंशियल को काफी अच्छे से दिखाता है। अब फ्यूरियोसा मूवी को कंपेयर करें मैड मैक्स की पिछली मूवी से, तो ये उतनी अच्छी तो नहीं है, बट स्टिल एक्शन एंड मासी फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। अब फाइनली अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और मूवी को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो, तो प्लीज से लाइक और शेयर कर दे, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, भाई बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।